पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा, चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक, पहुंचाएंगे हर खास खबर आपके मोबाइल तक। देखिए मेरे साथ firstbite.tv। यूपी में योगी सरकार के गठन के तुरंत बाद ही एंटी रोमियो स्क्वाड अस्तित्व में आ गया है। प्रदेश में एक साथ हुई शुरुआत के तहत मेरठ में भारी भरकम पुलिस फोर्स सड़कों पर उतार दी गई है। एंटी रोमियो स्क्वाड अब सीधा उन मंचलों की हरकतों पर तुरंत एक्शन लेगा जिनके चलते महिलाओं व युवतियों का सड़क पर चलना दूभर हो जाता है। विशेष बात यह है कि पहले नवरात्रि से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला स्क्वाड भी तैयार किया गया है। स्कूटी पर सवार यह स्क्वाड मंचलों के लिए मुसीबत बनकर टूटेगा। आज मेरठ के SP सिटी विनीत भटनागर ने इसकी शुरुआत की। 5 साल से एंटी रोमियो दल, जो कि सड़क पर जो लोग अभद्र व्यवहार करते हैं, महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, उनको टारगेट करने के लिए बनाया गया था। और बड़ी सफलता के साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस की ये जो मुहिम है ये चल रही है। पिछले 5 साल से इसके बड़े प्रभावी और बहुत सकारात्मक रिजल्ट रहे हैं। 1 वर्ष पहले आपको जानकारी होगी मिशन शक्ति लॉन्च किया गया था नवरात्र के दिन, जो देवी की पूजा का, जो नारी शक्ति की पूजा का जो दिन है, उस दिन से मिशन शक्ति लॉन्च किया गया था, नवरात्रों से लॉन्च किया गया था। उसको भी आज जो है वर्ष पूरा हुआ है। आज दोबारा जब से ये नवरात्र की शुरुआत है तो दोबारा से उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज ये कार्यक्रम किया है कि मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सुरक्षा हेतु विशेष दल का निर्माण किया है। देखिए, महिला सुरक्षा हेतु विशेष दल IDC का गठन किया जा रहा है प्रत्येक जनपद में। आपको पता है कि पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से एंटी रोमियो दल उत्तर प्रदेश की मुहिम के रूप में जो है पुलिस की मुहिम के रूप में चल रहे हैं। इसके अलावा पिछले वर्ष शारदीय नवरात्रों में इसमें वासंतिक जो नवरात्र है उसके दौरान चलाया गया था हमारा मिशन शक्ति लॉन्च किया गया था। प्रत्येक थाने पे महिला हेल्पलाइन बनी हुई है और महिलाओं की समस्या या जॉइंट ऑर्डर से संबंधित जो भी बिंदु है जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी है, उन सभी में स्पेशल फोर्स का गठन किया गया है, जिनके लिए जो है ये हमारे दलों का निर्माण है। और साथ ही साथ हर थाने में महिला टेस्ट बनी हुई है। इसमें एक नया प्रयोग करते हुए आज महिला सुरक्षा हेतु विशेष दल का निर्माण किया गया है। हर जनपद में ये निर्माण किया गया है और इनका फोकस भी भीड़ भाड़ वाले इलाके, मंदिर, बाजार या जहाँ पर भी महिलाओं की एक्टिविटी वगैरह रहती है या शाम के समय, दिन के समय, जहाँ पर उनको सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है, वहाँ पर डेडिकेटेड फोर्स जो महिला सुरक्षा के लिए रहेगा उसी को आज यहाँ से लॉन्च किया जा रहा है। आज जो हमारे कुछ कॉलेजेस खुले हुए हैं और खासतौर से महिला कॉलेजेस हैं, वहाँ पर अभी हम जाएंगे, वहाँ पर भी महिलाओं को जो है इसके बारे में मुंह तो देखने दो, कार्यशालाएं भी हम चलाएंगे और लगातार महिला सुरक्षा के लिए हमारी जो कटिबद्धता है उसको। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार।